बीमा पॉलिसी वेरिफिकेशन और ज्यादा क्लेम दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय जालसाज गिरोह के 14 लोगों को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए जालसाजों ने टिकरा पारा थाना क्षेत्र में रहने वाली बिजली विभाग की सेवानिवृत्त अधिकारी से 70 लाख रुपए ठगी की थी। साथ ही राज्य के दूसरे शहर में भी लोगों को ठगी का शिकार बनाया। जालसाजों के कब्जे में पुलिस ने 57 की पेड मोबाइल फोन, एक वायरलेस फोन, लैपटॉप, विभिन्न बीमा कंपनी के 1000 पन्नों से अधिक दस्तावेज तथा 50 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक जालसाजों ने महिला अफसर को उनकी पुरानी बीमा पॉलिसी के आधार पर नई बीमा पॉलिसी चालू कराने पर ज्यादा क्लेम मिलने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया। पुलिस की टीम दिल्ली के एक सप्ताह तक कैप कर जालसाजों और कॉल सेंटर के बारे में जानकारी जुटाकर छापा मारा। पुलिस ने मौके पर पाया कि कॉल सेंटर में 25 महिला स्टाफ सहित 50 से ज्यादा कर्मी काम कर रहे हैं। उनमें से 14 जालसाजों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देश भर में ऑनलाइन ठगी करने वाला एक अंतर्राज्यीय गिरोह का हम लोगों ने आज पर्दाफाश किया है, जिसमें 14 लोगों को दिल्ली से हम लोग लेके अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक टिकरा पारा में 420-467 फोर्जरी का एक मामला दर्ज एक महिला ने कराया था, जिसमें ये कहा गया था कि उसने बताया कि 2016 से उसकी पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर कर गई, तो कुछ लोगों ने उससे संपर्क किया और उनको बताया कि आपको ज़्यादा क्लेम दिलवाएंगे और ज़्यादा आपको पैसे दिलवाएंगे, अलग अलग चीज़ों कह के उसको झांसे में लिया और 70 लाख रुपए उससे 2023 तक उन्होंने ले लिया। और जब महिला ने मैच्योरिटी होने के बाद पैसे की मांग की तो सारे मोबाइल नंबर बंद हो गए, मोबाइल नंबर, तब उसको विश्वास ऐसा लगा कि विश्वास हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई। उसने पुलिस में कंप्लेन की, FIR दर्ज किया गया। पूरी ACCU की टीम, साइबर रेंज साइबर थाना की टीम और टिकरापारा थाने की टीम इस पे लगी और पीछे जब वर्कआउट किया गया तो पता चला कि ये एक गिरोह है। उसकी डिटेल्स निकाली गई। हमारी टीम दिल्ली में जाके जब रेड की कार्रवाई, एक बकायदे कॉल सेंटर चला के ऐसा ठगी किया जा रहा था और वो कॉल सेंटर में जब रेड किया गया तो 50 फर्जी सिम, लैपटॉप, मोबाइल, हजारों पेज के दस्तावेज मिले और उन दस्तावेजों के बाद हम लोगों ने जब देखना शुरू किया तो पता चला कि देश के कई हिस्सों में ये लोग इसी तरह से ठगी कर रहे थे। जो हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया और इनको लेके आए, इसके अतिरिक्त भी 41 अन्य लोग भी वहां थे जिनकी भूमिका की भी चूंकि जांच की जानी थी, डायरेक्ट उनका भूमिका नहीं मिला था, उनको भी नोटिस दे के अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए का इस तरह से ये लोग ठगी कर रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों में। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।